वही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ कलयुगी पिता ने 7 माह की बच्ची को जमीन पर पटक कर मार डाला है। मामूली सा पारिवारिक कलह के बीच हैवान पिता ने अपनी ही मासूम बच्ची की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं इस घटना को अंजाम देकर पिता मौके से फरार हो गया है। ये घटना खड्डा थाना क्षेत्र के रामपुर गोन्हा गांव के जंगल टोले का है। यहां विवेक मुसहर ने पारिवारिक कलह के बीच अपनी 7 महीने की मासूम की जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। विवेक मुसहर की शादी लगभग 2 वर्ष पहले गांव के रीतु नाम की लड़की से हुई थी। दोनों की लव मैरिज शादी थी। दोनों की 7 महीने की बेटी निशा थी। दरअसल गुरुवार की शाम दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर कहासुनी हुई। पत्नी मासूम बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। वही विवेक मुसहर शराब की नशे में चूर था। इसी दौरान मामूली सी कहासुनी में विवेक मुसहर ने माँ की गोद से बच्ची को छीन कर पक्की सड़क पर ले जाकर पटक कर मार डाला। वही मौके पर बच्ची को मारकर पिता फरार हो गया। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। थाना खड्डा अंतर्गत ग्राम रामपुर गोहना की जंगल टोला में कल दिनांक 7 मार्च को विवेक कुमार का अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद हुआ। इस वाद विवाद के दौरान पिता विवेक कुमार द्वारा अपनी पुत्री गुंजा उम्र 7 माह को जमीन पर पटक दिया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।